पहले तो मैं अपने सारे बैंक हजरात से माफी चाहती हूँ कि वो खफा ना हो जाए इस बात पे। आई हैव वेरी वेरी डेयर फ्रेंड्स हु वर्क बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स एंड मॉल्स सिनेमा हाउसेज मतलब ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे अमूमन दरवाजे खिड़कियाँ बंद होती हैं या एसी चल रहा होता है या हीटिंग चल रही होती है exactly. खिड़कियाँ खुली नहीं होती हवा अंदर नहीं आ रही होती एंड विच इज़ फाइन एंड अगेन विद ऑल यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु वर्क इन सच प्लेसेस उनमें होता अमूमन ये है कि एनर्जी ट्रांसफरेंस हो जाती है Okay, अब अगर is, मैं is? मैं लेट से मैं चल रही हूँ और मैंने एक जोड़ा लेना था और पैसे मेरे पास पूरे नहीं है या बच्चा शोर कर रहा है या वो जो सामने खातून जा रही है उनके दो बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं तो गुस्से में आके किसी ने पाँव पटख दिया हुँ. या तो वो जो पटखने की रेव्रेशन होती है ना आप कहीं भी होंगी वो आपको हिट करेगी हुँ. अगर आप कोई नेगेटिव थॉट भी सोचेंगी ना Hmm. तो वो भी निकल के किसी और को जाके अफेक्ट करिए आपको लगता है हम एक कमरे में बैठे हैं सेफ हैं हम यहाँ hmm. पे कोई भी बात कर सकते हैं किसी किस्म की भी एनी थिंग विच कम्स आउट ऑफ योर आईज और योर माउथन जेस्टर जजमेंटल पुटिंग डाउन और फिर हम हमेशा ही कहते हैं मगर मेरा ये मतलब नहीं था मगर hmm. मैं ये तो नहीं कहना चाह रही थी hmm. आप क्यों गलत समझी hmm. मैंने ये थोड़ी कहना था hmm. तो फिर कह तो दिया ना हाँ और अक्सर बहुत हार्श कमेंट करने के बाद भी लोग कहते हैं मैं तो मजाक कर कर रही थी yes, तुम बहुत बहुत जल्दी माइंड माइंड लेती हो इतना ना किया करो तो कहने का मकसद ये कि एनर्जी ट्रांसफरेंस हो जाती है और जब इसीलिए अगर आप वहाँ जाके थोड़ा सा आपको लगता है कि आपका दिल जो है वो तंग हो रहा है या आप, आपको सांस ठीक तरीके से नहीं आ रहा या बाहर चले बाहर चले पानी लाके दें कोक ला दें या मुझे लग रहा है मुझे भूख लग रही है So that is the reason that that happens. So you can mm -hmm. always, always, always put a hisar around yourself. You can go in energetically without negative emotions, and that will then open up to all the other people.